हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगिंदर और मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। जैसा कि हमने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बना के ये शो कराया है कि अगर किसी भी तरह कोई भी लैपटॉप, अगर डेल, एचपी, लेनोवो या थिंकपैड या अदर कोई भी कंपनी का लैपटॉप हो, तो हम उसको किस तरह रिजोल्व करेंगे। तो सेम ऐसे ही मेरे पास आज एक G4 का केस आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगा, आप देख सकते हो ये, और इसकी जो कंडीशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली ये पावर ऑन तो हो रहा है बट नो डिस्प्ले कंडीशन में है, जैसा कि आप मेरे मशीन का बिल्कुल अभी लोड देख सकते हो। ये हमारी मशीन का लोड है और इसको हम जैसे ही ट्रिगर कर रहे हैं, हमारा मदरबोर्ड ये 600 तक जा रहा है और 700 जाके कई बार ये वापस आ जा रहा है, जबकि इसका प्रॉपर लोड जाना चाहिए हमारा करीब 800-1000 के करीब जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कीबोर्ड पे लाइट भी नहीं जल रही है और स्क्रीन पे भी हमारे लाइट नहीं आ रही, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो मैं इसको आपको देख सकते हो, हम अब इसको प्रॉपर ओपन कर रहे हैं और उसके बाद ही ये इसको हम प्रॉपर चेक कर पाएंगे कि क्या कंडीशन इसकी बन रही है। तो एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, सॉरी कीबोर्ड वगैरह रिमूव कर लेता हूँ और इसको हमने कर लिया ओपन और मैं इसका मदरबोर्ड निकाल लेता हूँ। ये इसका मदरबोर्ड है और इसको मैं कर लेता हूँ साइड। और अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो इसकी कंडीशन, पहले तो ये यहाँ पे रस्टेड सा हमें दिख रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन जो है, तो हम इसको क्लीन करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये हमारा रैम की आईसी है ये, और यहाँ पे काफ़ी क्रोजन सा बना हुआ है। तो एक बार इसको हम पहले फिज़िकली ही जो है क्लीन, और इधर देख पा रहे होगे काफ़ी सारा रस्टेड है, आई थिंक ये काफ़ी टाइम बाद ओपन हो रहा है, तो एक बार हम इसको प्रॉपर साफ़ करेंगे उसके बाद इसकी कंडीशन चेक करेंगे। और ये इसकी रैम है, एक बार मैं तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। एक बार मैं इसके इस वाले पोर्शन को साफ कर लेता हूँ तरीके से। साफ करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर देता हूँ।
ठीक है। और अब मैं इसको लगा के चेक करता हूँ कि अब इसकी क्या कंडीशन है। तो ये डीसी जैक अब मैं इसमें लगा देता हूँ और इसका लोड हम देख रहे हैं, ठीक है 28 करीब। और यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि अदर सेम है इसकी जो है कंडीशन है। और एक बार मैं इसकी ज़रा सप्लाई वगैरह चेक कर लेता हूँ कि क्या अभी इसकी कोई सप्लाई मिसिंग है या नहीं, कौन कौन सप्लाई मिसिंग है, कौन सी बन रही है। तो अगर हम इधर चेक करें, सबसे पहले हम चेक करेंगे PCH की सप्लाई इसकी। अगर मल्टीमीटर में हम देखें तो प्रॉपर बन रही है, और इधर की सप्लाई देखें तो ये भी प्रॉपर बन रही है, और 1.8 वोल्ट ये भी ठीक है। और इस साइड कोर की देखें तो कोर भी बन रही है। अब इधर अगर हम रैम की देखें तो यहाँ पे हमें रैम की सप्लाई मिसिंग लग रही है, जबकि यहाँ पे रैम की सप्लाई 1.5 वोल्ट की समथिंग बनना चाहिए, बट हमें ये सप्लाई मिसिंग है। तो हमें एक बार इसकी रैम आईसी को ही रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसके रैम आईसी को रिप्लेस करके देखता हूँ। इसकी रैम आईसी है और मेरे पास एज अ सेम बोर्ड पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी निकाल के इसमें डाल दूँगा। और मैं ये इसकी वाली आईसी चेंज कर रहा हूँ। जी आईसी हमने हटा दिया है, और अब मैं ये वाली आईसी लगाता हूँ। रिमूव करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम बात करें तो इसको तरीके से लगाना होगा और देखना है कि कोई पिन आपस में टच ना हो। और ये आईसी हमने अब इसमें लगा दिया है, और इसको मैं एक बार कर लेता हूँ क्लीन। अब इसको मैं करता हूँ चेक।
और आप देख रहे हैं अभी हमारा लोड करीब 1000 तक पहुंच गया है, तो आई थिंक एक बार हमें चेक करना चाहिए इधर से कि क्या कंडीशन है इसकी। ठीक है, और मैं अब इसमें लगाता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले लगा के हम वेरीफाई करेंगे। अब हमें चेक करना है कि डिस्प्ले की कंडीशन अभी बन रही है या नहीं बन रही है, तो आई थिंक हमने तो चेक कर लिया है प्रॉपर बन रहा है, बट एक बार डिस्प्ले पर भी देख लेते हैं कि डिस्प्ले पे इसकी क्या सिचुएशन है। तो इसको मैं करता हूँ ट्रिगर, और यहाँ पे अगर हम देखें बट अभी अगर डिस्प्ले की कंडीशन की बात करें तो डिस्प्ले अभी नहीं आ रहा है इस पर, बट बोर्ड में आई थिंक आ रहा है, तो वो हमें भी देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक बार मैं रैम को लगा के दोबारा देखता हूँ, एक बार मैं इसको निकालता हूँ और एक बार फिर से देखता हूँ एज इट इज की क्या कंडीशन बन रही है। जैसा कि इसको हमने ऑन करने के बाद पाया कि इसमें ऑन तो हो रहा था बट डिस्प्ले फिर भी नहीं आ रहा था, और ये 1100 के करीब तक जा रहा था, और इस कंडीशन में हमें लगा कि इसका AMD ख़राब है। बट AMD पे काम करने से पहले हमने जब चेक करा तो हमने पाया कि इसका CPU शॉर्ट है। इस कंडीशन में हमने ये CPU चेंज किया, और चेंज करने के बाद हमारा बोर्ड जो है वो ओके कंडीशन में आ चुका है। बट अब इसका डिस्प्ले मैं भी कंफर्म चेक नहीं किया, लेकिन वैसे आ चुका है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ और साथ में आप भी कंफर्म हो जाओगे कि हाँ डिस्प्ले आया या नहीं आया, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ वैसे ही चेक किया है, कन्फर्म मैं भी नहीं हूँ, बट देखता हूँ। और इसकी आप कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पे जो इसका है ये बिल्कुल परफेक्ट है, अभी अपलोड भी ले रहा है, और इस साइड अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हैं अब इसमें डिस्प्ले भी आ चुका है। तो आपने देखा कि हमने इसको किस तरह ट्रबल शूट किया, और ज़्यादा हमने टाइम भी नहीं लिया, बहुत कम टाइम में हमने इसमें ट्रबल शूट किया, क्योंकि हमें इसका जो तरीका है वो पता है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करना है। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप किसी भी लैपटॉप को चेक करना करने का तरीका अगर देखना है, इन्फॉर्मेशन देखना है, तो ये इस तरह की वीडियो हमने पहले भी डाल रखा है, वो आप जाइए हमारे YouTube चैनल पे और वहाँ पे वीडियो को ज़रूर देखें। और तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्किटेक्ट CS।